बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्ट्रिक में खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने जमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं यूएस इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, ये चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपने दोस्तों अक्सर सुना होगा, जब आपका यूपीएस बैकअप ना दे रहा हो या फिर चार्जिंग ना कर रहा हो या फिर प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, तो अक्सर आपने किसी कारीगर या किसी और बंदे से सुना होगा उसके मुंह से कि आपकी जो बैटरी की ग्रेविटी है वो कम हो चुकी है, इसको दोबारा से बाहर से रिचार्ज करवाई फिर ये चलेगी। तो दोस्तों, ये बेसिकली ये क्या चीज़ है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और इसका जो तरीक़ेकार है, जो हम खुद इसको इसकी ग्रेविटी को जो है वो पंप आउट दोबारा से कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और स्किप ना किया करें, ताकि जो प्रॉपर चीज़ की समझ है वो आपको आ सके, और जो किसी चीज़ की फिर भी अगर समझ ना आए तो आप कमेंट कर लिया करें, या फिर इसके अलावा आप वीडियो को दोबारा भी वॉच कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की जानी। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद जो नॉलेज है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बहरहाल दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेविटी कम क्यों होती है, कब होती है। दोस्तों, ग्रेविटी क्या चीज़ है? ग्रेविटी दोस्तों कुछ भी नहीं है, जस्ट जो इसके अंदर बैटरी के अंदर जो तेजाब डला होता है उसको, वो तेजाब जो है उसकी जो विस्कोसिटी है जिसको हम गाढ़ापन कहते हैं, अगर वो बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि हम उसको ग्रेविटी का नाम दे देते हैं, तो वो ग्रेविटी जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, उसके अंदर जो तेजाब पड़ा होता है, जब उसमें से उसमें हम पानी मिला के, पानी शामिल करके वो तेजाब जो है बैटरी में डालते हैं। फ़िलहाल ये मेरे पास ड्राई बैटरी है, वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो होता यूँ है कि वो जो तेजाब होता है वो उसके अंदर हम पानी मिक्स करके हम जो है वो बैटरी में यूज़ करते हैं, ये सबको पता है। तो जब दोस्तों बैटरी को चार्ज किया जाता है या डिस्चार्ज होती है बैटरी, तो उस सूरत में जो है वो पानी और तेजाब दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से दोस्तों, जो उन दोनों चीज़ों में से हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब वो जो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है तो उसमें से जो पानी है वो हम अपनी ज़ुबान में, अपने अल्फाज में कहते हैं कि पानी खुश्क हो गया है, ठीक है। अब पानी जब खुश्क हो जाता है तो बाकी पीछे बचता क्या है? तेजाब। तो खाली तेजाब जो है, खाली एक ही चीज़ जो है, केमिकल रिएक्शन हमेशा दो चीज़ों में होता है। और ये बैटरी जो है दोस्तों, अपने जहन में ये बात बिठा लें कि बैटरी जो है वो आपका, आपको जो बैकअप देती है, जो चार्जिंग करती है, ये एक केमिकल रिएक्शन के बायस होता है। केमिकल रिएक्शन होता है पानी और तेजाब के दरमियान, तो ये बैटरी जो है वो वर्क करती है, चार्जिंग करती है, आपको बैकअप देती है, डिस्चार्ज होती है, ये सारी चीज़ें उस केमिकल रिएक्शन की वजह से है। अब दोस्तों, अगर बचेगी ही सिर्फ एक चीज़, तेजाब ही खाली बचेगा, तो केमिकल रिएक्शन होगा कहाँ, कब और किसके साथ होगा? यही चीज़ है कि केमिकल रिएक्शन नहीं होता और बैटरी जो है वो डिस्चार्ज भी नहीं होती, सॉरी डिस्चार्ज हो जाती है और चार्जिंग नहीं करती और बैकअप नहीं देती। ज़ाहरी बात है, जब चार्जिंग नहीं करेगी तो बैकअप कहाँ से देगी? तो यही वजह है कि हम फिर अपने अल्फाज, सादा अल्फाज में कह देते हैं जी ये बैटरी की ग्रेविटी कम होगी। अब इसका तरीक़ेकार क्या है? सबसे पहले तो इसकी हिफाजत का मैं आपको बता दूँ कि आप इसका वाटर लाजमी चेक किया करें, हर हफ्ते चेक करें, 10 दिन बाद 12 दिन बाद 15 दिन बाद, जो भी आपने रूटीन रखी है, आप इसका पानी चेक करके, इसके पानी का लेवल, अगर आप, ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इसके पानी का लेवल जो है वो चेक करते रहेंगे रूटीन के साथ, तो आपकी बैटरी की ये जो ग्रेविटी नाम की चीज़ है वो कभी भी कम नहीं होगी, आपकी बैटरी हमेशा सही रहेगी, तो आपको बाहर से चार्ज करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बिलफर्ज़ ग्रेविटी कम हो गई है तो वो हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, वो पानी कम होने की वजह से ही कम होगी। अब अगर हो भी गई है तो उसका क्या हल है? अब दोस्तों, उसका हल ये है कि आप उसका जो है वो पानी चेक करें,
उसका पानी फिल करें। और उसके बाद पानी अब कौन सा डालना है, पानी दोस्तों आप डिस्टिल्ड वाटर डाल दें या फिर जो फिल्टर का वाटर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो पानी के साथ इसका लेवल जो है वो फुल करें। बैटरी को अच्छे तरीके से एक दफ़ा ऐसे ऐसे हिलाना है इसको अच्छे तरीके से, ताकि वो जो तेजाब है उसमें से वो सारा कुछ इसमें मिक्स हो सके। बहरहाल ये चीज़ करने के बाद आपने दोस्तों क्या करना है, अगर आप बाहर से चार्ज करवाना चाहते हैं तो ये अच्छा तरीका है, अगर नहीं करवाना चाहते तो आपने अपने UPS के जो अम्पेयर हैं वो मैं अभी आप ये जो आप अम्पेयर सेट वाली वेरिएबल देख रहे हैं इसको आपने फुल ओपन कर देना है, अम्पेयर फुल कर देना है। और बैटरी फुल वाली जो जो वेरिएबल है यानी कि बैटरी फुल, फ़र्ज़ करें आपके UPS की जो है वो 14 वोल्ट पे हो रही है या 14.532 जितने पे भी आपने रखी है वो फुल हो रही है, तो आप इसको फुल जो है खोल दें, फुल इसको जो है वोल्टेज पे जितने ये वोल्टेज 16, 17, 18 जितने वोल्टेज तक ये फुल बैटरी करवा सकता है इसको उतने पे रख दें। तो इसको उतने वोल्टेज पे रखने के बाद इसके एम्पेयर फुल खोलने के बाद होगा ये कि बैटरी को जो है UPS बहुत ही प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है वो चार्ज करेगा 16, 17, 18 जितने वोल्ट पर भी वो कर सकता है। उसके बाद दोस्तों आपने ये प्रोसेस जो है वो तकरीबन कम से कम 2-2.5 घंटे जो है वो जारी रखना है। उसके बाद आप दोस्तों इसकी जो सेटिंग है वो दोबारा अपने UPS की वो प्रॉपर तरीके से कर लें जो आपने करनी है, जो आपकी UPS की पहले थी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीन के साथ, मुझे यकीन है कि ये जो आपकी बैटरी है वही बैटरी जो बिल्कुल नहीं चलती थी वो इंशाल्लाह बिल्कुल ओके हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो तरीक़ेकार है ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, आपको भी इस चीज़ का पता है और मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इस चैनल पर नहीं रखता, आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं करता कि जिस चीज़ का मैंने खुद जो है वो जिसका दोस्तों मैंने खुद प्रैक्टिकल ना किया हो वो चीज़ मैं आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। तो ये प्रैक्टिकल दोस्तों मैंने खुद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब भी हुआ है, इसलिए जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस चीज़ से कारीगर कोई भी आए इसको, अगर वो आपको इस तरह का कोई भी चीज़ इस तरह की बताता है, इशू बताता है, तो उससे घबराना नहीं और परेशान नहीं होना। ये तरीक़ेकार आजमाएं, इंशाल्लाह जो है वो आपको बेहतरीन लगेगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरह से काम होती है, क्यों होती है और इसको दोबारा से जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, भाई को दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे आप दोस्तों का भी, दुनिया का भी फ़ायदा होता है, आखरत का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि किसी और का अगर फ़ायदा होगा कि अपने किसी आपके किसी भाई का फ़ायदा होगा तो उससे आपको अजर व सवाब भी मिलेगा। तो वीडियो को शेयर लाजमी कर दिए करें ताकि अपने साथ साथ किसी और दोस्त का, भाई का भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।